अत्याचार आखिरकार कब बंद होगा? आए दिन हो रही घटनाओं से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। दहेज लोभी ससुराल वाले कहीं विवाहितों को जलाकर मार देते हैं तो कहीं गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब बंद होगा महिलाओं पर अत्याचार? ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद का है, जहां दहेज लोभी ससुरालियों ने विवाहिता के साथ मारपीट की है, जिसके बाद उपचार के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ससुराल पक्ष पति समेत 7 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना सैदन गली निवासी दीक्षा का विवाह रीति रिवाज के अनुसार नवंबर 2019 को चंद्रपाल सिंह निवासी गांव निरावली थाना बहजोई के साथ हुआ था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दीक्षा के साथ दहेज लोभी ससुरालियों द्वारा एक बुलेट एवं 10 लाख रुपए दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट किया करते थे। कुछ दिन पहले ही दीक्षा के साथ सितंबर 2020 को दहेज नहीं लाने के चलते उसके पति देवर व ननंद आदि ने मारपीट की थी, जिसके चलते मृतक महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी। घायल अवस्था में ससुराली पक्ष के लोग दीक्षा को कार में डालकर उसके पिता के घर छोड़ गए। पिता ने अपनी बेटी दीक्षा को बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन अमरोहा के अस्पताल में इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। बताते चले कि पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर 7 लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अश्मीर सिंह। अच्छा, क्या मामला है? लड़की की तबीयत खराब, मतलब बीमार थी, चोर ससुरालियों ने दिखा मार तोड़ करी थी, सिर में दर्द था। कब से बीमार थी? कम से कम हो गया 1 महीना। तो अब कहाँ थी? तोड़ करके गए थे घर पर, पीट पाट के छोड़ गए मेरे पास घर पर। अब कहाँ थी? अपने यहाँ पे हमारे घर पर थी, तो अपने मैके में थी। अच्छा, किन किन लोगों ने मारपीट की थी? ये लोग हैं जो इनके साथ आए थे, सब लोग जो है मेरा एकदम ध्यान पर नहीं आ पाएंगे सारे नाम। एक चंद्रपाल जी थे, चंद्रपाल के अच्छा, भाई थे। अब क्या हुआ, आप क्या चाहते हैं आप? अब तो मैं तो अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता हूँ। तो दहेज का भी मामला था कुछ? दहेज का मामला तो था, दहेज के प्रति तो मारा जा रहा था, लड़की को पीटते थे आए दिन, रोजाना ड्राम मारते थे। कितने दिन पहले हुई थी शादी? ये हो गए करीबन 10 महीना हो गए शादी। आज शायद नहीं, थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर मोहल्ले में एक लड़की जो कि बहजोई में ब्याही थी, उसकी संदेहजनक परिस्थिति में मृत्यु हुई। इस संबंध में थाने पर 304B 698 323 506 IPC व 3/4 गेट का गया है। शव का पंचायतनामा करने के लिए भेज दिया गया है, मृतकों की तलाश की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।